अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक पेंटिंग बताऊंगी, पेंटिंग भी बताऊंगी और ड्रॉ भी बताऊंगी। तो आपको जो मैं ज़्यादा बड़ी डिज़ाइन नहीं दिखाऊंगी, बस छोटी छोटी डिज़ाइन बताऊंगी जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है उसे बनाने की और फिर उसे कलर करने की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी जो आप आसानी से बना सकें और आसानी से पेंटिंग कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हफ्ते में एक वीडियो पेंटिंग की और दूसरी वीडियो मेहंदी की, मैं दो वीडियो अपलोड करूंगी हफ्ते में और आप देख सकें, आराम से उसको सीख सकें अच्छे से। उससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट मिलती है आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन और पेंटिंग को आसानी से सीख सकें। तो फ्रेंड्स, आज के पेंटिंग का जो पहला दिन है, मैं आपको उसमें सिखाने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको छोटी छोटी लीफ सिखाऊंगी ड्रॉ करना। तो फ्रेंड्स, आप पहले पेपर ले लें और पेंसिल ले लें, रबर ले लें और पहले आप पेंसिल से ही पेपर पर डिज़ाइन ड्रॉ करें और लीफ या फ्लावर जो भी आप ड्रॉ करते हैं देख के या फिर मेरे वीडियो से कहीं से भी देख के अगर ड्रॉ करते हैं तो अगर आपकी डिज़ाइन में थोड़ा अर्क फर्क हो जाता है, आपकी डिज़ाइन गलत हो जाती है तो आप उसे फिर से दोबारा से उसको साफ़ करके, रबर से साफ़ करके उसको दोबारा से डिज़ाइन फिर से कर सकें तो आप पेंसिल का यूज़ करें। पेंसिल से यूज़ करने पर आपकी डिज़ाइन दोबारा से सही हो सकती है, अगर वही पेन का यूज़ करेंगे तो आपकी डिज़ाइन नहीं बनेगी। तो इस तरह से पहले आप सादी लीफ बनाएं फ्रेंड्स, इस तरह से पहले सादी लीफ बनाएं और अगर आपको कटिंग वाली लीफ नहीं आती है तो इस तरह से सादी लीफ बनाने के बाद आप उस पर कटिंग कर लें। पहले सादी हमने लीफ बनाई और अगर इस तरह की कटिंग आपको नहीं आती है, जो ये लीफ मैं बना रही हूँ अभी, अगर ये लीफ आपको नहीं आती है तो आप सादी लीफ बनाएं, जो आपको लीफ जिस आकार की आपको लीफ चाहिए उस आकार की आप लीफ बना लें। उसके बाद इस तरह से किनारे से कट करते हुए हमें ड्रॉ करना है और हमारी लीफ अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो हम अपनी कटिंग की लीफ आसानी से बना सकते हैं, जो कट वाली लीफ होती है उसको आसानी से बना सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो कट वाली लीफ बनाने में बहुत मुश्किल होती है, उनको नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से अगर आप सादी लीफ बनाने के बाद उस पर से कट करते हुए ड्रॉ करेंगे तो आपकी लीफ अच्छी बन जाएगी। और एक लीफ इस तरह की होती है बिल्कुल प्लेन, और पेंटिंग करने के बाद ये भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने आपको 4 तरीके की लीफ बताई है, अब मैं आपको जो 5वीं लीफ है वो भी बताती हूँ, जिसे हम लहराती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ऐसे घुमाते हुए इसको बनाएंगे। अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप इसकी भी सादी लीफ बना के और उसके ऊपर से इस तरह से पेंसिल को हल्का सा लहराते हुए डिज़ाइन पर ड्रॉ कर दें, बन जाएगी आपकी लीफ। तो अभी मैं आपको फ्लावर बना के दिखाऊंगी, तो उसके साथ में जब लीफ बनाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह मैं बनाने की बात कर रही थी। तो आपको 5 तरह की लीफ मैं बताई हूँ ड्रॉ करना, आप इसकी प्रैक्टिस। मैं आपको फ्लावर बताती हूँ, पहले आप बीच का हिस्सा बना लें फ्लावर के, उसके बाद आप फ्लावर का पेटल्स बनाएं। आप इस फ्लावर का पेटल्स 5, 6 या फिर 4 इतना ही बनाएं, इससे ज़्यादा ना बनाएं, आपका फ्लावर बड़ा हो जाएगा और 5-6 पेटल्स का फ्लावर काफ़ी अच्छा होगा और आपको बनाने में आसानी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लावर बन चुका है। अब मैं आपको इसकी डंठल बना के दिखाती हूँ, हमें एक साइड से इस तरह से थोड़ा सा डंठल को गहराते हुए बनाना है जिससे लगेगा कि हमारा फ्लावर झुका हुआ है, और दूसरी साइड से जिस तरफ से झुका हुआ है उस तरफ से उठाएंगे डंठल, इस तरह से सादी लीफ बनाएंगे, उसके बाद इस तरह को से पेंसिल को लहराते हुए, घुमाते हुए पेंसिल को हम लहराती हुई लाइनिंग ड्रॉ करेंगे और बहुत ही आसानी से हमारी दोनों लीफ बन जाएगी। एक लीफ हमने तैयार कर ली है, अब हम दूसरी लीफ को बनाएंगे। इस तरह से हमारी लीफ बन चुकी है दोनों लीफ, और ये छोटा सा फ्लावर भी तैयार हो चुका है।
और इस तरह से हमारा फ्लावर अच्छा सा बन चुका है, छोटा सा फ्लावर। और ये आपके सीखने के लिए बहुत ही आसान सा फ्लावर मैंने बताया है, इसे आप आसानी से बना भी सकते हैं और आसानी से इसकी पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से ट्रेस पेपर लेना है, पेपर पे तैयार होने के बाद हमें ट्रेस पेपर लेना है और उस पर ऐसे पेन से, इसको हम लोग पायलट पेन बोलते हैं, और अगर ये पेन आपके पास नहीं है तो आप स्केच से भी ड्रा, ट्रेस पेपर पे स्केच से भी ड्रा कर सकते हैं। तो हमारी जितनी आउट लाइनिंग हैं वो हम ट्रेस पेपर पे ड्रा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम हमारी लिप्स तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको फ्लावर बना के दिखाती हूँ और हम अपने फ्लावर को भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। हमारा फ्लावर भी तैयार हो चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरी डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी हो चुकी है और ये काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन मैंने तैयार की है। और ये छोटी सी डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को चाहें तो इस डिज़ाइन को जोड़कर बड़ी डिज़ाइन भी बना सकते हैं और अपने इस डिज़ाइन को घुमाते हुए किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं। तो आपकी छोटी सी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और इससे आप कई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने टांचन ली है जो कि हम कपड़े में लगा के कपड़े को फिक्स करके तब सिलाई करते हैं, स्टिच करते हैं। तो हमें ऐसी या नीडल ले लें या फिर इस तरह की टांचन ही ले लें और उसके बाद हमें जितने भी हमारी आउट लाइनिंग हैं उस पर हम इसको इसके मदद से होल बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने स्पंज लिया हुआ है, और अगर आपके पास ऐसा नहीं है कुछ तो आप कपड़े की दो चार तही कर लें, जैसे आपके पास टावल हो या फिर आपके पास कोई बेडशीट हो उसको तही कर लें दो चार फोल्ड में, उसके नीचे रख के फिर उसके बाद इस तरह से सुई की जो आप नीडल लिए हो, सुई लिए हो, उससे होल बना सके। उससे क्या है आपकी डिज़ाइन में काफ़ी फिनिशिंग रहेगी होल बनाने में और आपकी डिज़ाइन अच्छी बेडशीट पे कन्वर्ट होगी। तो हमने स्पंज लिया हुआ है और मैंने ट्रेस पेपर के नीचे स्पंज को लगा हुआ है और मैं इस तरह से हर आउट लाइन पर होल बनाऊँगी। होल बनाने के बाद हमें इसे बेडशीट पे डिज़ाइन हम इस पर से कन्वर्ट करेंगे बेडशीट पे। उम्मीद है कि आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ और कैसे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही वीडियो को मैंने फास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, जैसा मैंने बनाया है वैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टेप बाई स्टेप मैंने बताया कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो सारी डिज़ाइन में हमें जो भी जितनी भी हमारी आउट लाइनिंग रहेंगी सब पे हमें नीडल से इस तरह से होल बना लेना है। इस तरह से होल बनाने के बाद हम अपनी डिज़ाइन को कपड़े पे जो हम बेडशीट लिए हो या पिलो कवर लिए हो उस पर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने सारे फ्लावर में होल बना लिया है, अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। और ये हमारा फ्लावर तैयार हो चुका है और काफ़ी छोटा सा फ्लावर है, बहुत आसान है। आप चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसमें ट्रेस पेपर के साथ ही रहने सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे की वीडियो बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मिट्टी का तेल लिया हुआ है और इसमें मैं यही ऐड करूँगी, ये रोबिन का नील है, नील पाउडर है ये। तो आपको ये हार्डवेयर दुकान पे मिल जाएगी जहाँ पे पेंट वगैरह सब मिलते हैं, घर कलर करने वाले और पेंट वाले सामान जहाँ मिलते हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो हमें इस तरह का नील पाउडर लेना है, इस तरह से मिट्टी के तेल में उसको मिक्स करना है और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बस नील ऐसी दिखनी चाहिए, थोड़ी डार्क दिखनी चाहिए मिट्टी के तेल में, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड्स, बस उतना ही मिक्स करना है कि थोड़ा हमारा कलर है डार्क हो जाए, मिट्टी का जो तेल है वो थोड़ा डार्क हो जाए, बस इतना ही लेना है। और उसके बाद हमें लेना है कॉटन, इस तरह से हमें कॉटन लेना है और हम उसको इस तरह से लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि जो हम कपड़े पे, जो भी कपड़े पे पेंटिंग करना चाहते हैं और डिज़ाइन को उस कपड़े पे रखेंगे,
इस तरह से पहले आप कपड़े को अच्छे से बिछा लें, नीचे की जगह ऊपर नीचे ना हो, बराबर की हो। और इस तरह से बिछाने के बाद हम उस पर डिज़ाइन रखेंगे, कपड़े पे अपनी डिज़ाइन को रखेंगे इस तरह से। ये हमने डिज़ाइन रख ली है और जिस तरफ से हमने डिज़ाइन में होल बनाया था उसी तरफ से हमें रखना है। और उसके बाद कॉटन की मदद से नील और मिट्टी का तेल जो है डिज़ाइन पे रफ करना है। इस तरह से हमें लेना, ज़्यादा मिट्टी का तेल ना हो, नहीं तो आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मिट्टी का जो नील है और मिट्टी का तेल वो ज़्यादा आ जाएगी तो आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो बहुत संभाल के करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ट्रेस पेपर थोड़ा सा मुड़ गया था, तो इस तरह का बिल्कुल ना हो, आप थोड़ा ध्यान रखें और आराम से बनाएं। तो इस तरह से हल्के हाथों से बनाएं, ज़्यादा मिट्टी का तेल हो तो उसको कॉटन से निकाल दें दबा के। और इस तरह से डिज़ाइन आपकी तैयार हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन आपकी दिखेगी। और जहाँ डिज़ाइन आपकी नहीं दिख रही है, हल्की हो, वहाँ पेंसिल से या फिर पायलट पेन से आप उसको डार्क बना लें तो आपको पेंटिंग करने में थोड़ी आसानी होगी। इस तरह से डार्क कर लें जहाँ की लाइनिंग नहीं दिखती है वहाँ पे। तो यहाँ पे डिज़ाइन हमने बना ली है। अब मैं आपको इसे कलर करना बताऊँगी कि इसे कलर करें कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ। आप आज आप ये डिज़ाइन पे प्रैक्टिस कीजिएगा बना के। तो इस तरह का फ्रेम, बहुत लोग फ्रेम नहीं लगाना जानते हैं तो वो भी पूछते हैं, तो हमें फ्रेम को एकदम ऐसा लगना, ना लूज़ हो और ना ही टाइट हो, बीच एकदम बराबर होना चाहिए ताकि उस पर जाके बैठ जाए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कपड़ा खिसके ना, लूज ना हो। इस तरह से फ्रेम को हमें लगाना है जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया इस तरह से। और ये मैंने दो ब्रश लिया हुआ है, दोनों दो नंबर के हैं, एक फ्लैट है और एक पेन ब्रश है। यहाँ पे दो ब्रश लिए हुए मैंने, और मैं ब्रश में भी बताऊँगी कि आपको कौन से ब्रश से पेंटिंग करने में आसानी होगी और कौन से ब्रश से करने में थोड़ा मुश्किल होगा, ये भी मैं बताऊँगी इस पेंटिंग में। तो ये हमारा पिन ब्रश है और ये हमारा फ्लैट ब्रश है। दो ब्रश लिया मैंने, इसके मैं फ़र्क बताऊंगी कि आपको किसने करने में ज़्यादा आसानी होगी। ये मैंने पानी लिया हुआ है जिससे मैं बार बार ब्रश को वॉश करती हूँ, और जब भी मैं पेंटिंग करती हूँ तो पानी अपने साथ ही रखती हूँ क्योंकि ब्रश को हमेशा वॉश करना पड़ता है और साफ़ करना पड़ता है। तो अब मैं आपको पेंटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कलर लिया हुआ है, आप कोई सा भी कलर ले लें, सीखने के लिए कोई भी कलर ले सकते हैं। और किसी चीज़ पे बना रहे हैं तो फिर आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर ले सकते हैं। तो मैं आपको पहले पेन ब्रश से बताऊँगी। इस तरह से हमने कलर लिया और इस तरह से आप पेन ब्रश में कलर लेंगे, और इस तरह से जब लाइनिंग जो हमारी डंटल होती है उसको इस तरह से बनाएंगे। ये छोटी, अगर आपकी लाइनिंग छोटी है तो वो एक ही स्टेप में अच्छी बन जाएगी, अगर वो बड़ी है तो आपका आपकी जो लाइनिंग हो आड़ी टेढ़ी बनेगी। तो जो आप अगर इसी लाइनिंग को आप फ्लैट ब्रश से बनाएंगे तो आपकी लाइनिंग एक बार में अच्छी सी बन जाएगी, और राउंड पेन ब्रश से बनाएंगे तो आपकी लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। छोटी रहेगी तो बन जाएगी, लेकिन बड़ी रहेगी तो आड़ी टेढ़ी ज़रूर हो जाएगी। इस तरह से एक बार में आप डंठल को फ्लैट ब्रश से बना सकते हैं। आपको फ्लैट ब्रश से करने में काफ़ी आसानी होगी और आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें आउटलाइनिंग पहले करनी है किनारे की तरफ, और ये जो हम आउटलाइनिंग बनाते हैं वो सूखनी नहीं चाहिए। अगर सूख भी जाती है तो इस पर हम दोबारा से कलर लगा के उसके बाद शेड देंगे। यहाँ हमने पेन ब्रश लिया हुआ है, और इस तरह से अगर आप शेड बनाएंगे तो कितनी देर तक बनाते रह जाएंगे। तो आप इस फ्लैट ब्रश का यूज़ करें, इस तरह से आउटलाइनिंग पे ब्रश को चला के शेड मारते जाएं, इस तरह से शेड नीचे की तरफ देते जाएं। आपके शेड्स भी अच्छे बनेंगे और काफ़ी अच्छे पतले शेड आएंगे, बारीक बारीक,
और आपकी पेंटिंग में भी काफ़ी सफाई आएगी। तो फ्लैट ब्रश से जल्दी बन भी जाते हैं और अच्छे शेड भी आते हैं, तो हमारा फ्लैट ब्रश से ही हम पेंटिंग अच्छी कर पाएंगे। तो आप भी फ्लैट ब्रश 2 नंबर का फ्लैट ब्रश ज़्यादातर यूज़ करें, उससे आपकी पेंटिंग अच्छी होगी। और पेन ब्रश का कहाँ यूज़ लगेगा वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगी कि पेन ब्रश का यूज़ बहुत ज़रूरी कहाँ पर है और हमें कहाँ पर उसको यूज़ करना चाहिए। तो हम 2 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारी जो पेंटिंग है वो काफ़ी अच्छे से बनेगी और काफ़ी सफाई से बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बारीक बारीक शेड हैं और लिप भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो इसी तरह से आप दूसरी लिप को भी बनाएं और लिप की जितनी भी मैंने आपको लिप बताई है उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप लिप बना लेते हैं तो इस तरह पेंटिंग की भी प्रैक्टिस करें। और मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, अगर आपसे आप बना लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भी दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्लैट ब्रश से मेरी जो शेड है मेरे कितने खूबसूरत से आ रहे हैं, पतले पतले से ऊपर डार्क नीचे लाइट, तो इस तरह से हमारे शेड्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो फ्लैट ब्रश से हमारे जल्दी कलर भी हो जाते हैं और हमारे जो शेड्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर 2 नंबर फ्लैट ब्रश का यूज़ करती हूँ, हमारी पेंटिंग काफ़ी अच्छी बनती है, सफाई से बनती है और हमारे शेड काफ़ी अच्छे आते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमारी दूसरी लिप भी तैयार हो चुकी है और इसी तरह से हम अपनी लिप जो शेड देंगे वो काफ़ी हल्के हाथों से देना है, ज़्यादा दबाते हुए शेड ना दें और काफ़ी हल्के हाथों से शेड दें, आपके यहाँ शेड काफ़ी अच्छी बनेगी। और ब्रश को देख सकते हैं आप, मैंने इसी तरह से हमें वॉश करना है और ब्रश को रफ़ नहीं करना है, पानी में दबाते हुए रफ़ नहीं करना है, उससे आपके ब्रश फैल जाएंगे और आपकी पेंटिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी, तो आपकी पेंटिंग भी आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो ब्रश को हल्के हाथों से पानी में घुमाते हुए धुलें। और इसी तरह से हमें रेड कलर का भी जो हमारा फ्लावर पेटल्स है उसमें हम इस तरह से जो हमारे पेटल्स हैं उसकी आउटलाइनिंग करते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा सा, जब ब्रश में कलर लेंगे तो पहले इसको जो आउटलाइनिंग रहेगी उस पर घुमाएँगे, उसके बाद नीचे की तरफ शेड खींचेंगे तो हमारे शेड ऊपर की तरफ से मोटे होंगे और नीचे की तरफ से काफ़ी लाइटली हो जाएंगे, बहुत हल्के दिखेंगे, तो वो शेड काफ़ी अच्छे आते हैं, बारीक बारीक आते हैं और फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का इसका ज़्यादा ध्यान दें और जब भी ब्रश को डिप करें पहले आउटलाइनिंग पे घुमाएं उसके बाद ही शेड करें ताकि आपके शेड अच्छे आएँ, बारीक आएँ और हल्के बने। तो आप देख सकते हैं मेरे शेड कितने अच्छे से बारीक से आ रहे हैं, तो आपके भी इस तरह से आने चाहिए। तो आप मेरी इन सब बातों का ध्यान रखें और वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक समझिएगा कि कैसा मैं बता रही हूँ, और आपको आपके लिए सब बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से ध्यान देंगे तो आपको पेंटिंग बहुत जल्दी आ जाएगी, आप महीनों में ही पेंटिंग बहुत सारी पेंटिंग सीख सकते हैं और अगर खुद से ट्राई कर सकते तो आपको भी आ सकती है। तो इसी तरह से बस हमें अपनी सारी पेंटिंगें सारी जो फ्लावर की पेटल्स हैं उसे बनाना है और बहुत हल्के हाथों से ही शेड देना है। हाँ फ्रेंड्स, आप बहुत हल्के हाथों से शेड दें और अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप उसके लिए भी मैं अभी बता रही हूँ कि क्या करना है, और आप उसका जो मैं बता रही हूँ वो आप ज़रूर करिएगा और इंशाल्लाह आप भी पेंटिंग बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लावर को पूरा कर लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस तरह का पूरा फ्लावर नहीं बना पाते हैं तो पहले आप जो फ्लावर का एक पेटल्स है, मतलब एक पत्ती जो है फ्लावर की हमारी, हम पहले वही बनाएंगे। हमें एक ही फ्लावर बनाना चाहिए, जो जिसको नहीं आता है, जो नहीं बना पाते हैं फ्लावर पूरा, तो उसको पहले एक पेटल बनाना है, यानी कि एक पत्ती बनानी है हमारे फ्लावर की, जो एक पत्ती है उसी को बनाना है। उसके बाद हमें उसी में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप फ्लावर की एक लीफ बनाएं और उसमें शेड दें, जब तक ना बने तब तक उसको बनाते रहें, शेड देते रहें, और जब तक आपके पेटल्स सही नहीं तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आपकी पेंटिंग में उतनी सफाई होगी, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप हमारे जो बीच का जो हिस्सा बनाते हैं फ्लावर का, इस तरह से आप अपने मनचाहे कलर लगा सकते हैं। आप इसमें ब्राउन कलर भी लगा सकते हैं, गोल्डन येलो भी लगा सकते हैं,
ब्लैक और रेड मिक्स करके उसको बना के लगा सकते हैं, जो आपको जो पसंद आए उसमें बीच में आप कलर लगा सकते हैं। तो अगर आपके फ्लावर्स नहीं बनते तो इस तरह के आप पेटल्स बनाएं अलग से और उसमें शेड देते रहें, सीखते रहें, और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपके लिए अच्छा होगा। तो आप इस तरह के पेटल्स बनाएं, उसको शेड दें, लीफ बनाएं उसको शेड दें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको जो पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते दे रही हूँ, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, मेहंदी सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए और इजी पेंटिंग लाऊंगी फ्रेंड्स, जिससे आप पेंटिंग को अच्छे से सीख सकें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप इस तरह से सिंपल सी लीफ बना के उसमें शेड दे के इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो आप इस तरह की सिंपल लीफ बना के शेड देते रहें इस तरह से, और आप इस तरह से बारीक बारीक शेड देंगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको लीफ नहीं बनानी होती तो पहले स्ट्रेट लाइन खींच लें सीधी सी, उस पर भी शेड दे दें, या नीचे की तरफ शेड, अपने ऊपर की तरफ से अपनी तरफ शेड दे के प्रैक्टिस करते रहें। आपके शेड्स अच्छे बनने लगेंगे तो आपकी पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बनाया है, आप इस फ्लावर को जोड़ के बहुत बड़ी सी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये फ्लावर को स्टेप बाई स्टेप रख के आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।